आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और इग्नू की तरफ से आज 2 जुलाई 2024 को आपके लिए जून 2024 का जो रिजल्ट का लिंक है उसमें एक अपडेट जारी की गई है, जो कि अगर आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट जून 2024 का जो लिंक है उसमें स्टेटस 2 जुलाई 2024 लिखा हुआ है। इससे पहले इसमें आप जब भी देखने की कोशिश कर रहे थे तो इसमें जो स्टेटस था वो 14 जून 2024 लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब इसमें स्टेटस 2 जुलाई 2024 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आपके लिए जो रिजल्ट का लिंक है उसमें कुछ अपडेट की गई है। सबसे पहले तो हमको ये जान लेना जरूरी है कि क्या आपका थ्योरी एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है या फिर नहीं। अगर नहीं किया गया है तो अभी ये अपडेट किस चीज़ से रिलेटेड आई है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि अभी आपका जो जून 2024 के एग्जाम्स हैं वही कंप्लीट नहीं हुए। आप जानते हैं कि आपके एग्जाम कब तक चलने वाले हैं, 15 जुलाई 2024 तक चलने वाले हैं, यानी कि अभी लगभग 12 से 13 दिन के एग्जाम आपके और बाकी हैं, उसके बाद आपके एग्जाम्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम चल रहे हैं और उसके बीच में ही आपके रिजल्ट डिक्लेयर होना शुरू हो जाए, ऐसा पहले हो चुका है, खासकर कोविड के टाइम पर जब आपके एग्जाम हुए थे कोविड के बाद, तो उस समय ऐसा हुआ था कि आपके एग्जाम कंप्लीट पूरे नहीं हुए थे और उसी के बीच में आपके रिजल्ट की अपडेट्स भी लगातार आना शुरू हो गई थी। लेकिन इस समय जो अपडेट आई है वो आपके लिए अर्ली डिक्लेरेशन के रिजल्ट की अपडेट हो सकती है, क्योंकि अभी भी 12 से 13 दिन का आपका रिजल्ट आपका एग्जाम होना बाकी है। इतनी जल्दी आपका नॉर्मली थ्योरी एग्जाम रिजल्ट की कोई अपडेट जारी नहीं की जाती। साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अपना रिजल्ट इसमें चेक किया है, अपना इनरोलमेंट नंबर डालकर चेक किया है, और उनमें से भी किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर जो रिजल्ट है वो उनको शो नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने अपना अर्ली डिक्लेरेशन का इस बार जून 2024 के एग्जाम्स में फॉर्म भरा था, उनके रिजल्ट की अपडेट यहाँ पर जरूर हो सकता है कि अब आना शुरू हो गई हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अर्ली डिक्लेरेशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके एग्जाम के कंप्लीट होने के 10 दिन के अंदर रिजल्ट जो होता है वो उनका अपडेट कर दिया जाता है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म भरा था तो वो एक बार अपना रिजल्ट जरूर चेक कर सकता है। वैसे अर्ली डिक्लेरेशन का जो रिजल्ट होता है उसकी भी 4 से 5 अपडेट्स में आपका जो रिजल्ट है वो कंप्लीट किया जाता है। तो अभी जो अपडेट है वो अर्ली डिक्लेरेशन के स्टूडेंट्स की हो सकती है उसके बाद, लेकिन क्योंकि इग्नू की तरफ से अब जल्दी अपडेट जारी की जा रही है, रिजल्ट का लिंक जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया गया है, तो हो सकता है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको भी आपके थ्योरी एग्जाम के रिजल्ट की अपडेट देखने को मिल जाए। वैसे मैं और भी स्टूडेंट जो भी हैं जिनके भी इनरोलमेंट नंबर मेरे पास हैं उनसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका यहां पर इनरोलमेंट नंबर डालकर रिजल्ट अगर आ जाता है तो उसका मतलब है कि आपके रिजल्ट की अपडेट्स आना शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक जितने भी 5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट्स का मैंने यहाँ पर रिजल्ट डालकर देख आपका इनरोलमेंट नंबर डालकर देखा है उनमें किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पर अभी शो नहीं किया गया। तो ये अर्ली डिक्लेरेशन के रिजल्ट की अपडेट हो सकती है, इसको आप चेक कर सकते हैं। सिंपली इग्नू का एक जून एग्जाम रिजल्ट आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहीं पर ही आपको ये पहला लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर।